दोस्तों, क्या हालचाल है आप सबके। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे। और भाई शाम के बज रहे हैं, लगभग 4:30 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है। और आज जो था, आज कहीं पे गया हुआ था, तो वहाँ पे आपके साथ मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकता था आपको, क्योंकि वहाँ पे कुछ बातें ऐसी थी, वहाँ पे कैमरा नहीं ले जा सका था। तो अब घर में आया हूँ, तो अब कहीं जाके ब्लॉगिंग करूँगा। तो गाइज चलते हैं प्यारे से ब्लॉग की। और गया था एक जगह, वहाँ पे कुछ एक बातें ऐसी होती हैं कि ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं। तो खैर इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं और स्कूल से आ रहे हैं। हेलो, आगे स्कूल से। नमस्ते नमस्ते, हाय, हेलो बोल दो। हेलो, हाय गाइज, हाय, ठीक ठाक हो? आगे स्कूल से? ठीक है ठीक है। गाइज कुछ बच्चे थे यहाँ पे, तो ये स्कूल से आए हुए थे, तो आज आते आते सोचा कि इनको भी ले लेता हूँ ब्लॉगिंग में। तो कैरियाँ आपको दिखाता हूँ मैं, देख सकते हैं ये जो बेजू थे, तो ये हमने जो पतौड़े डालते हैं इसके, तो ये इसको जो था वो अगर ऐसे रखते हैं तो फिर बीमारी लग जाती है। और इसको अगर थोड़ा सा काट लेंगे, क्योंकि जो पुराने थे, नहीं तो फिर वो ठीक नहीं होते हैं, ओवरडेट जैसे हो जाते हैं। तो ये अभी इनके पतौड़े वगैरह डाल सकते हैं हम। और साथ में गाइज आलू वगैरह देख सकते हैं आप, बिल्कुल चल पड़े हैं वो पार तक पूरा। और साथ में अदरक, और वहाँ पे चाचा साहब बैठे हुए हैं, देख सकते हैं पार चाचा बैठे हुए हैं हमारे। तो अभी ये भी काम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल काम बहुत ज़्यादा चल रखा है अपने घर का। तो साथ में यहाँ पे हरी हरी मिर्चें देख सकते हैं आप, तो इनमें बाद में लेट जाके कहीं फूल डला है, तो अब जाके कहीं मिर्चें वगैरह लगी हुई हैं। तो हरी मिर्च जो है ठीक रहती है सेहत के लिए, ठीक है। और साथ में जो कि लहसुन है, और बिक्कू को तो आप देख सकते हैं। हेलो, ए शरारती तत्व, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हैं? सो के उठ गया। देख सकते हैं बिक्कू जो है, अभी बिक्कू से आपकी बात करवाऊंगा, क्योंकि ये बहुत शरारती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका पता नहीं चलता है कब क्या कर देगा। तो अब इससे बात करते हैं बिक्कू से। देख सकते हैं गाइस, ये क्या लिया, क्या कर रहे हो, अरे मुंह क्यों छुपा रहा है यार, ऊपर जा रहा हूं। तो चादर उड़ के जाएगा है, धूप लगेगी। अच्छा, तो भाई फनी भी, थोड़ा सा फनी भी काम कर लेता है ये, हैं? फनी काम कर रहा है तू, हैं? हंसी मजाक का काम कर रहा है ना। किसकी है, ताई की है, किसकी है, किस लिए लेके जा रहा है इसको, किस लिए, हैं? किस लिए, किस लिए लेके जा रहा है इसको, उड़े। मजाक कर रहा है भाई, मजाक कर रहा है, ताई की है ये, ठीक है। देखिए ठीक है भाई, मजाक कर रहा था, कहे ये तो इसकी ताई की थी, तो इसको वापस करने के लिए गया होगा। तो चलते हैं आगे, ये बीज के लिए रखा है, इसको धूप वगैरह लगा दी है पूरी। अब इसको हाथ से खुटाई करेंगे गाइज, क्योंकि हाथ से इसलिए खुटाई करेंगे कि अगर इसके नक्के टूट जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि इसको उगाने के लिए, तो इसको हाथ से ही उखाड़ा जाएगा, अब खोटेंगे इसको। तो चलते हैं गाइज आगे, अभी घास घूस वगैरह काटेंगे, ये जो के पशु रखे हुए हैं हमने, तो उनके लिए, पशुओं के लिए भाई घास भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं अपनी घुंघरी दिखाता हूँ, तो घुंघरी को आप देख सकते हैं। ओए ले, उठ जा, खड़े हो जा, कम ले ये ले। तो देख सकते हैं गाइज किस तरह से हाथ को चाट रही है, चटाई करेगी हाथ की। अब ये देखिए, छोटा सा बच्चा है, लेकिन देखिए कितने मासूम होते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और प्यारे भी लगते हैं, क्यूट। और ये देखिए इसको किस तरह से चाट रही है हाथ को। इसका नाम दोस्तों घुंघरी रखा है मैंने, चल कर ले मजे ना, ठीक है। तो ये है इसकी माँ भैंस हमारी, तो रमना को देख सकते हैं, डाटी वगैरह औजार जो है वो पहने कर रही है रेती से। तो अब चल पड़ेंगे घास को, तान को आप देख सकते हैं स्लैब के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, वहाँ पे क्या करेगा, क्या करेगा वहाँ पे,
स्कूल का काम करेगा तो करो फिर ना। ओके कर लो। देख देख गिर ना जाए कहीं ऊपर, ध्यान से चढ़ियो, जब उतरेगा तो तब भी फिर नीचे। आप क्या करेगा तुम? नहीं नहीं इसको नहीं। तो भाई ये इसको बोल रहा है जो कि इसको हम ये उठ गया। चलो तो गाइस देख सकते हैं ये बीम वगैरह निकालेगा, बीम वगैरह। तो ये देखिए ऐसे थोड़ी करते हैं फिर ऊपर को, हाँ इस तरह, हाँ इस तरह। सर्कस कर रहा है भाई, सर्कस तैयारी कर रहा है आर्मी में जाने की है, अग्निवीर में भर्ती होगा। ठीक है ओके बाय। पढ़ो इस बीच में आपको ये जो कि कुत्ते हैं आवारा, इनकी भी बहुत ज़्यादा तादाद हो रखी है। हर जगह आपको आवारा कुत्ते और आवारा पशु वगैरह ये दिखेंगे। तो ये भी क्या करेंगे बेचारे, जैसे हम लोग ही इनको छोड़ते हैं, हम में से ही कोई तो कोई, तो इनका भी जीने का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन फिर भी ये देखिए इनका आपस में झगड़ा हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये भी क्या करेंगे बेचारे, पेट लगा हुआ है इसलिए कहीं तो कहीं जाएंगे भौंकेंगे, खाना मांगेंगे, रोटी वगैरह। तो चलते हैं आगे दोस्तों। अगर कल की ब्लॉग की बात करें तो कल जो ब्लॉग बनाया हुआ था तो वो पहाड़ी दादी के नाम पे बनाया हुआ था, क्योंकि उनका स्वर्गवास हो गया था। ये तो आप सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि 2-3 ब्लॉगिंग में डाल चुका हूँ उनके स्वर्गवास होने के बाद जो है। तो अब बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनके घर वाले को साखी हुई कि आपने दोनों पोतियों को ऐसे ऐसे 50,000 रुपए देने हैं, वो दिए। तो वो कल का ब्लॉग उनके नाम पे था, लेकिन आज बेचारे खुद बीमार हो चुके हैं, क्योंकि अभी मेरे को पता चला था 2 घंटे पहले कि वो बीमार हुए हैं। और आधी रात को उनको हॉस्पिटल लिया गया था अपने रेनबो में घुमार में, तो वहाँ पे उनका उपचार चल रहा है। जैसे वो अपना पेशाब वगैरह रुक गया था उनका, तो ये सब चीज़ें चलो खैर छोड़ते हैं, लेकिन भगवान जल्दी से जल्दी इन्हें स्वस्थ करें जी दोस्तों। तो लगभग शाम के 6:15 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है, और अभी जो है अभी एक हमारी गौ माता रानी ने बच्चा दिया है, और वो बच्चा मर गया है, क्योंकि सुबह कल दिया था मेरे ख्याल से, और सुबह भी कॉल आई थी, तो सुबह भी मैं गया था। तो अभी जा रहा हूँ क्योंकि उससे दूध वगैरह निकालना है। तो वो हमारे प्याचंद भाई जी की गौ माता है, तो उन्होंने बोला कि आना है, और मैं और कुलदीप भाई जो है अभी बस कुछ ही क्षणों में वहाँ पे जाऊँगा, तो वहाँ पे आपको मैं गौ माता भी दिखाऊँगा। सो गाइस देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अब गाय वालों के पास, जो कि आपको बात बताई थी मैंने। तो ये है सानू। सानू हाय। हेलो गाइस। हेलो गाइस, हेलो। तो ये अभी ये बच्चे आए हुए हैं, इनको छोड़ने जा रही है सानू। हेलो गाइस। तो बेटा जाओ अपना है सानू, जाके आओ फिर ना। ठीक है, बाय बाय बाय। गाइस अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने भाई के घर में, तो अभी आपको गौ माता के दर्शन करवाऊंगा। अगर किसी को चाहिए होगी तो बता देना। ये है हमारी गौ माता, और इसका बछड़ा जो है वो भाई इस दुनिया में अब नहीं रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कल की सुई है ये, तो शाम को सुई है मेरे ख्याल से कल। तो आज जो है आज हम इसको चॉई कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो कि गौ माता होती है थोड़ा सा नर्वस हो गई है ये, तो इसलिए इसको अभी चॉय वगैरह करेंगे हम। देख सकते हैं जो के पशु होते हैं, तो पशुओं को एक इंसान की तरह भी भाई प्यार करना चाहिए, तो हमारा फर्ज बनता है। तो एक इंसानियत के नाते मुझे बोला, और मैं कुलदीप भाई को, तो मैं उनसे बात करवाऊंगा। ये है हमारे कुलदीप बड़े भाई जी, कुलदीप जी भाई। राम राम। राम राम। तो सुबह भी हम आए थे, तो अभी पहुंचे हम भाई, 10 मिनट हुए और थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। अब जो है इसकी चॉय वगैरह करेंगे गाइस, तो मिलते हैं आगे। माता का जो के आपको दिखा रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में अपना अपना जरूर लिखिएगा कि आपको गौ माता कैसी लगी। तो गाइस चलते हैं, अभी इसका चॉय कर दी है हमने, अभी भाई परसू के दे दिया इसने दूध वगैरह, तो अब देखते हैं, अब चलते हैं घर के लिए। हाँ जी दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? तो शाम के दोस्तों लगभग 8 बजे के करीब करीब टाइम हो चुका है, तो अब जो है मैं अपने गाँव करलोटी से सीधा अपने घर में पहुंचा हूँ आके प्यार सिंह के घर से। जाके आपको बताया था मैंने गाइस के जो कि हमारी गौ माता थी, तो वो उसका जो कि दूध वगैरह था, तो वो ऐसे मैं डर रही थी भाभी जी भी, तो उन्होंने फिर कॉल की मेरे को प्यार सिंह भाई जी ने कि यार आना, आपने सुबह भी गया था, अब भी गया हूँ अपने कुलदीप भाई और मैं, तो हमारे जो कि एक इंसानियत होती है, तो उसके नाते जो है भाई को काम करना चाहिए। जो है नेहा भिंडी काट रही है, आप देख सकते हैं। तो पढ़ाई कर ली नेहा तुमने भी किया? हाँ
जी कर ली। और साथ में देख सकते हैं आप गाइस पल्लू वगैरह, पल्लू हाय हाय। तो पल्लू को आप देख सकते हैं, पल्लू पढ़ाई कर रही है। इससे पहले क्या किया पल्लू आज? पूरा दिन मटर मस्ती की आज ना, चार साढ़े तीन बजे के बाद। पहले तो सोए हुए थे? नहीं। हाँ सोई थी आज। पक्का? अब बिक्कू कहाँ है? बिक्कू ऊपर है ताई के पास। जैसे तो भाई शैतान की बात की और शैतान हुए हाजिर। देख सकते हैं गाइस लोग ऊपर क्या कर रहे थे ताई के पास। क्या खाया? अमित भाई के पास था। क्या खाया? दाल। और खाना खाया? पक्का? कितने कितनी चपातियां खाई? एक। ठीक है। अब फाइनली मैं अपना स्नान वगैरह करूंगा क्योंकि पूरा दिन थक गए थे और काम किया। काम करके आपको पता है गाइस क्योंकि थकान बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में शरीर जो है बहुत सा ढीला हो जाता है। लेकिन अब जो है, अब पानी जो है पानी गर्म कर दिया है रमना ने, तो उसको लूंगा और थोड़ा सा ठंडा पानी डालूंगा और स्नान वगैरह करके फिर आते हैं गाइस, फिर मिलते हैं आगे। अब फाइनली मैं स्नान वगैरह करके किचन में आ चुका हूँ, देख सकते हैं आप। और जो कि परिवार है सारा, उसने उन्होंने भाई सभी ने खाना वगैरह खा लिया है। सो गाइस मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बोल रहे थे कि आप आए नहीं जल्दी, क्योंकि कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि हम कहीं पे जाते हैं गाइस कहीं पे, तो फिर वहां पे उनकी बात सुननी भी पड़ती है, कुछ अपनी भी सुनवानी पड़ती है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कौन मिल जाता है, कोई कौन मिल जाता है कभी, तो ये सब चीजें होती रहती हैं। तो ऐसे में अगर दोस्तों हम लोग किसी की हेल्प कर देते हैं या कोई हमारी हेल्प कर देता है, तो इसमें अच्छी बात होती है इंसानियत के नाते। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं जिंदगी। और अब आज के ब्लॉग का करते हैं अब यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सबको